तो इस सरगुजा जिले में बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पुल ना होने की वजह से छात्रों को जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है। जहां एक और दुनिया चांद पर पहुंच गई है, वहीं दूसरी ओर कई जगह पर लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। ये तस्वीरें हैं सरगुजा जिले के ग्राम रेवापुर के आश्रित ग्राम लवाई डी की, जहां पुल नहीं होने की वजह से छात्रों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल तक पहुंचना पड़ रहा है, और जिसके चलते कई बार छात्रों को दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है। मैं तो स्कूल जाता हूँ और नदी में तो बहुत ही खतरा रहे, अब देखा तो यह कि नदी है, दूर है थोड़ा, डोंगा में आए का डोंगा ट्यूब में आए का थोड़ा समस्या, थोड़ा हिलत डुलत। 11 में पढ़ता हूँ और नदी नाके में बहुत दिक्कत हुई, ट्यूब मन में अथन जथन, कभी कभी हवा तूफान आए तो ही पर रही जथन। इस गांव में पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 2 दशक से भी अधिक समय गुजर चुका है, पर इसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर छात्रों से लेकर ग्रामीणों तक परेशान हैं। खेती हम लोग का नदी उस पार भी है और यहाँ बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग पढ़ने जाने में बहुत परेशानी, ट्यूब में नाव कभी डूब जाता है, का हो जाता है, अगर पुल हो जाता है शासन के द्वारा दे देते, कई बार चिंतामणि महाराज आए, जल ग्रहण भी वो चीज़ किए, उसमें भी नहीं कर पाए। ग्राम लवाईडी का कुछ हिस्सा नदी के इस पार है और कुछ हिस्सा उस पार है, जैसे लोगों की परेशानी, जैसे किसान भाई बंधु का, कुछ छात्र छात्राएँ का, जो काम करने जाते हैं मजदूर भाई बहन, जो अंबिकापुर के लिए जाते हैं, जो नाव का सुविधा नहीं होने के कारण कई दिक्कत सामना करना पड़ता है। वहीं पुल की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम का कहना है कि इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई है और ये लंबा पुल होने की वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन आने वाले बजट में इस पुल को भी शामिल किया जाएगा। लवाईडी में एक घुंघुट्टा परियोजना का बांध से जो है वहाँ पर पानी रुका पड़ा रहता है और इससे गांव वालों को लवाईडी और पोड़ीपा के बीच में आने जाने में बहुत दिक्कतें रहती हैं, और इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेंट मुलाकात के दौरान उनको भी इस समस्या से अवगत कराया था, और इसके लिए जो है ब्रिज कॉरपोरेशन को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द उसका एस्टिमेट बना करके उनके शासन के समक्ष रखें, और ये बजट में भी आ चुका है, इसका प्रशासकीय स्वीकृति जैसे ही पूर्ण होगा वो ब्रिज बनेगा। बहरहाल ये गांव पिछले 2 दशक से अधिक समय से विकास की बात जो रहा है, लेकिन इस समय में पुल नहीं होने की वजह से आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार कब तक पुल का निर्माण कराती है। सरगुजा से रानू राज के साथ टीम न्यूज़ 8।